मोनो अपना स्पीकर दरअसल इस पूरे मामले में आरोप लगा है दरअसल इस पूरे दिलाई गई है मुख्यमंत्री को हटाने के घटना के बाद भी और उससे पहले भी और कुछ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनको बीजेपी के लोग जो इनका सहयोग कर रहे हैं साथ दे रहे हैं बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और जब तक ये हटेगा नहीं इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग जो है ना आंदोलन धरना जारी रखेंगे और काउंसिल की मीटिंग जब होगी काउंसिल की मीटिंग के अंदर भी उसको जोर विरोध किया जाएगा। क्या इस घटना के बाद कितना गुस्सा है कि महिला अधिकारी बड़े राजशेखर को हटाओ महिलाओं को बचाओ कार्रवाई नहीं हो रही है। महिलाओं को उसके बाद फिर मैं एक महिला होने के नाते मैं कहूँगी कि जैसे मैं एनडीएमसी में जो राजशेखर है वो विभाग संभालते हैं मैं उसी विभाग की और मैं टाउन मेंबरिंग कमेटी जो रेडी पटरी की बनी हुई है टीवी से टाउन मेंबरिंग कमेटी की मैं मेंबर भी हूँ उस मीटिंगों में मैंने शुरू से ही उसके राजशेखर जी के खिलाफ मैंने कार्रवाई की है लेकिन उस उन पर कोई भी कार्रवाई कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। वो जब भी मतलब मेरे से भी बात करते थे अभद्र नज़रों से देख देख के मतलब उनको ये नहीं पता कि एक महिला के साथ किस तरीके से बात की जाती है और सम्मान किया जाता है। तो आपके मामले में भी कोई कार्रवाई मेरे भी मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आप लोग क्या 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 चाहते हैं? राजशेखर जी जो है महिलाओं का शोषण कर रहे हैं और हम चाहते हैं महिलाओं का शोषण बंद हो महिलाओं को इनके शोषण से बिल्कुल भी उनको मुक्ति मिलनी चाहिए इनको वहाँ से हटाया जाना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो तमाम राजशेखर हटाओ महिलाओं को बचाओ राजशेखर जो इस पूरे मामले के आरोपी है उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया सीधे सीधे मांगे की जा रही है हाय हाय
नहीं।